हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रवि शर्मा। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरी मंशा ये है कि लोग जाने और समझे कि मोटिवेशनल लेक्चर्स को सुनना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीचेस के बारे में सोचते रहना या बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल कोट्स को पढ़ना, इनफैक्ट आपके परफॉर्मेंस को, आपकी प्रतिभा को निखारेगा नहीं, बल्कि और मंद करते जाएगा। आजकल टीनेजर हो या फिर ऑफिस गोइंग लोग हो, प्रोफेशनल्स हो, किसी भी लोगों को देखिए, वन वे और अनदर सारे लोग किसी न किसी मोटिवेशनल स्पीकर को जरूर फॉलो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सुनने के 10 मिनट बाद वो बोलेंगे, अजीब सी एनर्जी आ गई शरीर में, मैं तो पूरी दुनिया जीत लूंगा। लेकिन फिर होता क्या है? कुछ भी नहीं, अगेन अगले दिन से वही सारा उनका कामकाज स्टार्ट होता है, उनमें कुछ कोई खास अंतर नहीं आ पाता है। और कुछ लोग अगर उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और इनिशियली कुछ सफलता मिल भी जाती है, तो भी ये बात ध्यान ये देने योग्य है कि अब आप क्या सोचें, आपका सोचने का पैटर्न क्या है, वो कोई दूसरा चीज आपको बता रहा है। इस तरीका से आप जो आपके अंदर जो शक्ति छुपी हुई है, जो आपको खुद खोजना चाहिए, मैं कहाँ पे गलतियां कर रहा हूँ, किस चीज में मुझे सुधार की जरूरत है, वो आप खुद से करने के बजाय किसी दूसरे को अनुमति प्रदान कर रहे हैं कि आप मेरे जीवन के गाड़ी के ड्राइवर बने बन जाइए। और आप इस तरीका से आपका जो ब्रेन है वो पूरी तरह से हाईजेक हो जाता है। डे टू डे इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान ना रखे वो लोग, आप जैसा कि वो लोग बड़े बड़े सपना आप लोग को दिखाते हैं, मेरे ये क्लाइंट्स है, मैंने वहां दिया, मैंने इस लोग को ये बताया, वो हो गया वगैरह वगैरह। मेरी सख्त हिदायत है आप लोग को, मैं आपका वेल विशर हूँ, इन लोगों से जितनी दूरी हो सके बना के रखिए। आप यूट्यूब है, उस पर कुछ इंटरटेनमेंट की चीजें देख सकते हैं, काफी सारे लोग हमें सुझाते हैं हमारी समस्या क्या है, उनका समाधान कैसे करें, कोई भी चीज है, घर की मशीनरी है खराब हो गई है, उसको कैसे ठीक करें। कुछ एडुकेशनल स्टफ्स हैं जो कि कोई काफी सारे लेक्चर्स हैं उस पर अवेलेबल, जिसको पढ़ के आप रियली यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ अलॉट, वो अलग बात है। लेकिन हमेशा किसी न किसी के मोटिवेशनल कोट्स को पढ़ना, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि इस तरीका से है कि आप अपने दिमाग में हमेशा एक तरीका की बकवास, फिजूल की चीजें, गलत चीज डाल रहे हैं, वो आपके दिमाग को एक एक्साइटेड स्टेट में रखता है। जब आप नॉर्मल होंगे तभी आप इस चीज को, जैसा जो चीज जैसा सामने है वैसा ही देख पाएंगे। आपका ब्रेन जब 24 आवर्स एक एक्साइटमेंट के स्टेट में रहेगा, देन यू कैन थिंक बिग, यू कैन ड्रीम बिग, बट यू कांट अचीव बिग। सो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि कृपया आज से ही मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना बंद करें, उनको फॉलो करना ब्लाइंडली बंद करें। कभी काल जो आप यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड, मैं ये चाहता हूँ, और कोई भी आपका जो वेल विशर है वो ये चाहेगा कि आप में वो परिवर्तन लाए, आप वो चीजें सीखें जिससे आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहें। आज जो आप कर रहे हैं, कल उस काम को कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल की मदद जरूर ले सकते हैं जो उस फील्ड में आपसे ज्यादा जानता हो। लेकिन मोटिवेशन के नाम पे आजकल इससे टाइम भी वेस्ट होगा। क्या सुन रहे हैं भाई? मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे हैं किसी की, ठीक है भाई, सुन लिया, सुनने के बाद क्या हो गया? कुछ नहीं, अच्छा लगा। अच्छा लगा मतलब क्या हो गया? ये अच्छा लगना क्या है? इट्स जस्ट लाइक अ सेडेटिव पिल। आपको, आप एक स्मोकर है, उससे पूछिए स्मोकिंग करने के बाद क्या होता है, अच्छा लगता है। कोई शराब पीता है, शराब पीने के बाद क्या होता है, अच्छा लगता है। ये कुछ देर अच्छा रहता है, फिर आदमी अपने नॉर्मल स्टेट पे रिटर्न वापस आ जाता है। यही प्रॉब्लम है। तो आप अपने ज्ञान का वर्धन करें, यू इनहेंस योर नॉलेज, जो भी करें, वॉट एवर इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, कोई कॉमेडी चैनल, कोई कॉमेडी शो देख लीजिए, बट दिस मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल स्पीचेस, मोटिवेशनल गुरुज को फॉलो करना कृपया बंद कर दीजिए। इससे आपके जीवन में निश्चित रूप से हर समस्या को सॉल्व करने के लिए अपने ऊपर डिपेंड रहने की काबिलियत आ जाएगी। तो आज के वीडियो में बस मैं आपसे यही जिक्र करना चाह रहा था दोस्तों। अभी मैं और भी काफी सारी वीडियो बनाऊंगा,
जिससे डे टू डे लाइफ में जो हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, मेंटल हर्डल्स हैं, उनको कैसे ओवरकम किया जाए और किस स्टेज पे आपको क्या डिसीजन लेना है, वो मैं इन सारे चीज़ों पे मैं ध्यान दूंगा और आप जरूर उससे लाभान्वित होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर आप मेरे से सहमत हैं इस जो मैंने ये जो वीडियो बनाया मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में और इसका आपके कैसे आपके ब्रेन पे असर डालता है, इट्स जस्ट लाइक अ मॉर्फिन, इट्स जस्ट लाइक सम ट्रैंक्विलाइजर जो कि आपको कुछ देर के लिए शांति देगा बट आपकी समस्या का समाधान नहीं देगा। अगर आप इन सारी बातों से सहमत है दोस्तों तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपका दोस्त रविचंद्र शर्मा, थैंक यू।